बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल देसी एंड परदेसी फूड विद आमना। आज हम बनाने जा रहे हैं पफ पेस्ट्री, भी बोलते हैं जिसे, या कह लें कि यूनि पफ का जो है शॉर्टनिंग बनाई जाती है। बेसिकली ये हम वनस्पति घी से ही जो है बनाते हैं। बेकरी में आपको बटर या देसी घी नहीं वो यूज़ करते, तो ये शॉर्टनिंग ही बनाते हैं जो कि ये वनस्पति घी से ही बनती है। ये देखें, ये वनस्पति घी है, इससे हम जो है ना पफ पेस्ट्री, जो या पफ या पैटीज़ उनके लिए जो है ना हम वो तैयार करेंगे। आपने इस घी को पूरी तरह से जो है ना मेल्ट करना है, अच्छी तरह से मेल्ट करना है। बिल्कुल भी ये जो है ना ऑयल की तरह आपको दिखाई देना चाहिए। जब ये पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं ये आपको दिखा रही हूँ। ये हमने यहाँ पे ली है बर्फ़, ये देखें, ये मैंने काफ़ी ढेर सारी बर्फ़ ली है। इस बर्फ़ के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और उसके ज़रिए हम शॉर्टनिंग जो है ना बनाएंगे। ये अभी हम इसको पिघला रहे हैं अच्छी तरह से। आप इसी तरह से इसको साथ साथ चम्मच को हिलाते रहें। हमने बहुत ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना कि जी ये घी बिल्कुल बॉयल हो गया है, और हमने इसको, हमने सिर्फ और सिर्फ जस्ट इसके जो दाना सा है, क्योंकि हमने ये दानेदार नहीं लिया, ये वो नहीं है कि डालना या जो है हबीब का वनस्पति है, ये दानेदार जो कनस्तर में और आते हैं ना, ये वो वाला घी है, उस घी को लिया। अब ये देखें, ये पूरी तरह मेल्ट हो गए, आपको नज़र आ रहा होगा कि अब इसमें कोई दाना नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे ऑयल की तरह जो है ना ये बन गया है, आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल अब घी जो है मेल्ट हो गया। अब हम जो है ना फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसको थोड़ा सा ना कूल डाउन होने देंगे। उसके बाद जो है ना, जो हमने ये बर्फ़ ली है ना उसके अंदर इसको डाल के, तो हम आगे प्रोसेस शॉर्टनिंग का जो है ना स्टार्ट करेंगे। ये बर्फ़ है, इसमें मैं थोड़ा सा ना पानी डाली, थोड़ी सी बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाए, मतलब पानी बिल्कुल जो है ना बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाएगा। तो मैं अब ये देखेंगे, थोड़ी सी बर्फ़ मेल्ट हो गई है और मैंने इसमें तकरीबन हाफ जो है ना जग पानी का डाला है। अब मैं इसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ये घी डाल दूँ। ये देखें, ये हमारा जो आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह से ये घी जो है ना इस बर्फ़ के अंदर जम रहा है। हम इसको भी थोड़ा सा इसी के साथ जो है ना घुमा रहे हैं, फिर हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे बाद में। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अभी इस बर्फ़ के ज़रिए जो है ना इस घी को जो है कर रहे हैं अच्छी तरह ठंडा, ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। और इसमें ये जो मोटे मोटे थोड़े से बनेंगे, इसको आपने हाथों से इसको तोड़ना है। अभी हम इसको जो है ना थोड़ा पानी में ही इसको कर रहे हैं अच्छी तरह से ठंडा हो जाए ये ऑयल, जो घी है, सॉरी, हमने जो घी इसमें यूज़ किया था वो अच्छी तरह से इसमें। ये देखें, ये दोबारा से जो है ना देख रहे हैं आप, ये देखें, ये चीज़ अभी पूरी तरह से जो है ना इसको सख्त होने में टाइम लगेगा। अच्छी तरह से ये इसके अंदर जो है, ये देखिए, ये ना इसमें जो बर्फ़ है ना, जब पूरी तरह पिघल जाएगी बर्फ़ और फिर जो है हम इसको ब्लॉक्स बना के, तो हम इसको अपनी फ्रिज में रख लेंगे। क्योंकि ये गर्मियों का सीज़न है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मेल्ट बहुत जल्दी हो रहा है, तो इसलिए इसको जब तक ये पानी में ये जो बर्फ़ के पीसीज है ना ये ख़त्म होंगे, तो फिर इसके जो है ना हम ब्लॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो ब्लॉक्स बना के तो हम अपनी जो है शॉर्टनिंग, पफ पेस्ट्री पैटीज़, और जैसे क्रोइसेंट्स बनेंगे, पफ पेस्ट्री पैटीज बनेंगे, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं सारी वो हम इसी शॉर्टनिंग से आगे हम इंशाल्लाह फर्दर बनाएंगे। ये देखें, ये अब इसमें कोई दाना नहीं रहा, ये देख लें आप, इसमें दाना बिल्कुल भी नहीं है। यानी मैं अगर ये देखें, मैं इतना सा लूँ पीस, तो इसको देखें मैं इस तरह से आपको दिखा दूँ, ये इस फॉर्म में आ चुका हुआ है हमारे पास, जैसे बटर की फॉर्म होती है वो शॉर्टनिंग में, वो इस तरह का बन चुका है। ठीक है, मैं अभी जब तक ये पूरी तरह इसमें पानी में ये जो बर्फ़ है ना ये पिघल नहीं ना जाती, तब तक मैं इसको जो है ना कुछ नहीं करूँगी, एज इट इज़ पड़ा रहेगा इसके अंदर ही। ये बर्फ़ खुद पिघलेगी पूरी तरह से, तो फिर मैं इसके अंदर से इसको निकाल के पानी अच्छी तरह से इसका हम जो है हाथों से निकालेंगे, और फिर इसको जो है ना हम ब्लॉक्स बना के अपने फ्रिज में जो है ना स्टोर कर लेंगे। ये देखिए, हमारा जो है शॉर्टनिंग बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था और ये अब बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गई जिस फॉर्म में मुझे ये चाहिए। आप देख रहे हैं, ये पानी में से अब बिल्कुल जो है उसने आप वो जो पार्टिकल्स हैं वो घी के, वो बिल्कुल अलग हो गए, और अब इसमें कोई लम्स नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे है। ये देखें, जैसे ना बटर होता है, ये देखें, ये बटर की फॉर्म में आ गया हुआ है हमारा।
अब हम इसको जो है ना निकाल देंगे। अगर ज़्यादा मेल्टिंग में हो तो आप इसमें थोड़ी सी जो है ना बर्फ़ वो इस्तेमाल कर सकते हैं या ठंडा पानी डाल दें। तो अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े यूँ लूँगी और इसको जो है ना इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके तो जो इसको हम इस तरह पेड़े की फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि हमने इसको जो है ना फिर फ्रीज करना है, मतलब फ्रिज में रखना है, फ्रीज नहीं इसे आपने करना। अब इसी तरह इसको भी आप थोड़ा सा प्रेस करें, इसमें से भी जो पानी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए, क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, पानी को जो है ना ख़त्म करें। और यहाँ इस तरह से रखते जाएँ, इसके बाद अब ये वाला निकालें और अब इसको भी इसी तरह से आप करेंगे। ये देखें, ये शॉर्टनिंग पफ पेस्ट्री और पैटीज़ हर चीज़ के लिए जो भी आप करें यूज़, इसको इस तरह से क्लिंग रैप करके आप फ्रिज में रखिएगा, क्योंकि समर का सीज़न है तो ये थोड़ा सा मेल्ट होगा, इसलिए इसको हम फ्रिज में ही रखेंगे, जब हमने यूज़ करना होगा तो इसे निकालेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह हम हमारी नेक्स्ट जो है पफ पेस्ट्री पैटीज़ और डिफरेंट चीज़ें इस तरह की हम इसी से बनाएंगे, तो आप वो भी वीडियोज़ देखिएगा। वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।